सो हाय एवरीवन, कैसे यार, होप करता हूँ बढ़िया होंगे। फाइनली गाइस, तो फिर से आ चुका है नई वीडियो के साथ। एंड आज हम आपको सिखाने वाले हैं यानी कि किस तरीके से आप अपने टाइम लिमिट को, जो कि अपने फ्री फायर के आईडी में आपका लग चुका है, आप गेम जो है वो 3 घंटे से ज्यादा नहीं खेल पा रहे हो, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। हालांकि बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप अनलिमिटेड गेम खेल पाओगे एंड वो जो आपका टाइम लिमिट है उसे कैसे अपने रिमूव कर पाओगे एंड अपने गेम के आईडी से किस तरीके से हटा पाओगे, ठीक है। तो वीडियो के अंदर बने रहना, इसकी बिल्कुल नहीं करना। चैनल पर नया पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को और पर सेट करके गाइस रख लेना, क्योंकि आपको भाई ऐसे ही फ्री फायर से रिलेटेड वीडियो इसी चैनल पर डेली के डेली लाता रहता है। चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या, गेम ओपन कर लेना है, रैंक सेटिंग में चले आना है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एज रेंज का एक सेटिंग दिया जाएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, सबसे फर्स्ट में लिखा गया ब्लू 18 है, जो कि ये हमारा मेन सेटिंग है। आपको बताओगे कि अपडेट के बाद यहाँ दो अपडेट आया था, जहाँ पर आपको एक यहाँ पर ए टू एज वेरिफिकेशन करना था, अगर आपने किया होगा तो आपको मैं बता दूँ। यहाँ पर दो ऑप्शन थे, जहाँ पर आपको एक ब्लू 18 करके था, 18 और एबव, यानी कि जो 18 ईयर्स के बंदे हैं उन लोगों ने वहाँ पर क्लिक किया होगा, एंड जो 18 ईयर्स प्लस है उन लोगों ने 18 और एबव पर क्लिक किया होगा। तो बहुत सारे लोग जो है वो ब्लू 18 पर क्लिक कर दिए हैं, जिनकी वजह से उनके गेम में एक लिमिट लग चुका है। ऐसा नहीं कि जो 18 और एबव की है वो दिन भर गेम खेल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के वो जो, अगर आप 18 और एबव पर लगाओगे तो आप 6 घंटे खेल सकते हो, अगर आप ब्लू 18 पर लगाओगे 3 घंटे खेल सकते हो। लेकिन आज हम सिखाने वाले हैं किस तरीके से आप अनलिमिटेड गेम खेल सकते हो, वो भी बिना किसी टाइम रेंज के, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस गेम ओपन करना है, सेटिंग में आना है। यहाँ से आपको ब्लू 18 पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, मोबाइल नंबर इंटर करना है, जहाँ पर आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा उसे आपको करके यहाँ से कन्फर्म करना है, जिससे आपका जो है एज वेरिफिकेशन का यहाँ पर हो जाएगा, सिस्टम खत्म हो जाएगा, जो आपका टाइम लिमिट लग रहा है ना आपकी गेम के अंदर वो हटने वाला है। एंड इसके लिए आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना है। अब ध्यान से सुनो, मोबाइल नंबर कौन सा इंटर करना है। देखो, मोबाइल नंबर आपको वही इंटर करना है जिस पर आपका आधार कार्ड हो, वो 18 ईयर्स प्लस हो, यानी आप अपने पापा का नंबर ऐड कर सकते हो या फिर अपने घर के किसी भी गार्जियन का नंबर ऐड कर सकते हो जो 18 ईयर से ज़्यादा हो, यानी ठीक है 18 साल से बड़े हो, ठीक है। तो उनका नंबर इसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से नंबर लिखने के बाद उस नंबर पर OTP जाएगा, ठीक है। अब उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है, यानी कि डाल देना है। डालने के बाद यहाँ से आपको कन्फर्म कर देना है, ठीक है। तो ऐसा आपको सिंपल से करना है, कुछ नहीं, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है एंड उसके बाद आपको वेरिफिकेशन कोड डाल देना है। अगर आप ऊपर की साइड में पड़े हुए तो यहाँ पर लिखा गया है प्लीज बाइंड योर पेरेंट्स और गार्जियंस मोबाइल नंबर, यानी मैंने जो आपको बताया कि आप किसी घर के किसी भी गार्जियन से, आप किसी भी बड़े भाई या जो भी आपके पापा का नंबर है उसको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ से उसके नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, उस कोड को आपको लेना है एंड यहाँ से फिल करके यहाँ से कन्फर्म कर देना है। बस दो स्टेप आपको कंप्लीट करने के बाद आपका जो गेम का लिमिट है गाइस वो फाइनली यहाँ से रिमूव कर देगा एंड उसके बाद आप दिन भर में जितने गेम चाहो उतने गेम खेल सकते हो। एंड उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने आपको जो सेटिंग बताया है उसे फॉलो करो। एंड जिन बंदों को ये प्रॉब्लम आ रहा है अपने वीडियो को, मैंने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एंड चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।